जी बच्चों, अब ये आपको अपने सामने स्क्रीन नजर आ रही होगी। अगर आपके पास डाटा इस शेप में आया, जहां पे मेरा कर्सर है, सबको नजर आ रहा यस है? ठीक मैम, है, तो इसको बोलते हैं, ये है एक बेल शेप कर्व। ठीक है, तो ये इसका मतलब है, अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आ गई है ना, पिक्चर ऐसी आ गई है, तो इट मीन्स आपका डाटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आप मतलब ठीक है, अब आप इस पे जो भी एनालिसिस करना चाहो कर सकते हो। आपको इसके अंदर कोई भी चीजें खत्म करने की, ये इधर उधर करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों कि अब सिक्योनिस और कर्टोसिस को देख लेते हैं कि वो किस तरह से डाटा पे इफेक्ट करती हैं। अब ये देखो, जो लेप्टोकर्टिक के बारे में हमने बात की थी कि डाटा एक पीक की तरफ चला गया, सारे का सारा डाटा, इट मीन्स इस साइड पे सारा इकट्ठा हो गया, तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, अब उसके सामने ही अगर आप देखते देखते हैं अपनी प्लेटिकर्टिक की तरफ, तो इसमें ये देखो कि डाटा फ्लैट हुआ हुआ है। फ्लैट का मतलब है सारा डाटा यहाँ पे फैला हुआ है। समझ आ रही है इसकी? यस मैम, ठीक है, जी मैम, तो इस डाटा को, जो डाटा ऐसा होता है ना, इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए फिर हमें काफी एनालिसिस करने पड़ते हैं, आर्टिफिशियली बहुत कुछ करना पड़ रहा होता है, तो इस वजह से थोड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे, ये देखें नेगेटिव सिक्योनिस, यानी कि डाटा सारे का सारा जो है वो राइट साइड की तरफ चला गया, अब इस साइड पे डाटा है ही नहीं, और सारे का सारा इस डाटा इस साइड पे चला गया। ये मसला पता क्या तब 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 होता है बच्चों के, जब आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो आपने सैंपल चूज किया था, उन्होंने बगैर पढ़े या तो आपके क्वेश्चन ईयर को वन 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 पे निशान लगा दिया सबके सबने, या सबके सबने नो 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 पे लगा दिया। और आप देखते, आज इस तरह के काम आप भी करते हैं जब आप अपनी क्यूईसी रैंकिंग कर रहे होते, तो आप भी क्या करते हैं, आपको बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता और समहाउ आप बगैर पढ़े कर देते हैं। तो इस तरह से जो डाटा होता है ना, फिर उस तरह से डाटा मतलब आपके पार्टी मतलब आपके रिसर्चर के लिए और रिसर्च के लिए इटसेल्फ बहुत मसले क्रिएट करता है। फिर उसके सामने अगर दूसरी साइड पे आप देखते हैं, यहाँ पे सारे का सारा डाटा लेफ्ट साइड की तरफ चला गया, और ये पॉजिटिवली सिक्योनस। अभी अच्छा हमारे लिए ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी हमें कोई अच्छी रेटिंग्स नहीं देगा। और इधर अगर आप आके देखो तो ये बाई मॉडल हो गया, मतलब ठीक है, ये यूनि मॉडल भी, इसको यूनि मॉडल भी बोलते हैं बच्चों, और नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं। अब इसमें डाटा के अंदर दो सेंट्रल टेंडेंसी बन रही है, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, तो इट मीन्स डाटा आपको यहाँ पे भी कोई अच्छी वैल्यूज नहीं दे रहा। अब हो सकता है कि इसमें से मैं आपको कोई पिक्चर दूं और आपसे पूछू, जी बताएं ये पिक्चर किसको शो कर रही है। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा समझ लीजिएगा, और उसके बाद इस तरह से पेपर की तैयारी कीजिएगा। मैम जी, जी जी ये जो नेगेटिव है ये लेफ्ट साइड पर नहीं है बच्चों, ये राइट साइड पे नहीं है, या मेरी तरफ से ये राइट साइड से मुझे नजर आ रही है? जो नेगेटिव है मैम, बच्चों मुझे लगता है कि राइट साइड भी। अच्छा चलें, हम दोबारा से अपने उसमें देख लेते हैं, राइटिंग्स में देख मैम लेते ये हैं इस किधर तरह है। है कि अगर राइट साइड पे टेल होगी तो फिर वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, अगर लेफ्ट साइड पे जी टेल जी होगी बच्चों, जी 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 थैंक यू तो थैंक यू जी, ये लेफ्ट साइड पे ही है, ये लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिवली सिक्योर्ड हो जाएगी, और राइट साइड पे है तो ये पॉजिटिवली सिक्योर्ड हो जाएगी। ठीक है, ठीक है मैम। अच्छा बच्चों, रा स्कोर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, अभी उसको दोबारा से देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि जब आप कोई भी टेस्ट करते हैं, कोई भी, जैसे आप पेपर ही कर रहे होते हैं, तो उसके बाद जो आपके फौरन से स्कोर आते हैं वो आपके रा स्कोर होते हैं। उसके बाद जो, लेकिन अब हमने आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ, स्टैंडर्ड आपके लिए क्या सेट है, आपके ग्रेड्स हैं, CGPA है, CGPA और ग्रेड जो है वो आपका एक्चुअली एक स्टैंडर्ड स्कोर है। तो उसके बाद हम उसी रा स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें से आपने जो चीज़ें मैं कह रही हूँ बस वही पढ़नी है, बाकी इसमें ज़्यादातर वो हैं, क्या बोलते हैं उसे, एग्जाम्पल्स हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको आप खुद पढ़िएगा। ये थीटा वाला आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना, इवनिंग समझ आ रही है आपको, ये जो स्पेशल केस ऑफ थीटा, ये नहीं पढ़ना आपने, क्योंकि इसकी आपको अभी जरूरत नहीं है। यस मैम, इनिशियल लेवल पे है ये, बहुत जब आप एमफिल में इंशाल्लाह ताला होंगे तब आपको इसकी समझ आएगी, तब आप, तब हम लोग करेंगे, अभी ये नहीं करेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ नॉर्म्स। ठीक है, अब हमने नॉर्म्स तो बनानी है, तो हमने कौन कौन सी नॉर्म्स बनानी है, चले अब नॉर्म्स को देख लेते हैं। नॉर्म्स में बच्चों हमारे परसेंटाइल रैंक होते हैं, परसेंटाइल्स होते हैं, जी स्कोर होते हैं, टी स्कोर होते हैं, सेट होता है, डेविएशन IQ होता है। अच्छा, परसेंटाइल बच्चों, परसेंटाइल और परसेंटेज जो है ना, वो टोटली एक्चुअली एक दूसरे से डिफर करते हैं। ठीक है, परसेंटाइल में ये होता है कि हम लोग ये देख रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट सेट किया जाता है आपके लिए, कि जैसे 60 एक पॉइंट है सेट किया गया, और ये देखा जाता है कि 60 से बिलो कितने लोगों ने स्कोर लिए हैं। 100 में ऐसा नहीं होता,
100 में क्या होता है कि आपको इंडिविजुअली चेक किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू 100। परसेंटाइल में आपको इंडिविजुअली नहीं चेक किया जा रहा होता, परसेंटाइल में एक्चुअली आपका कंपैरिजन किया जा रहा होता है दूसरे लोगों के साथ जिन्होंने वही सेम टेस्ट किया हो या वही सेम कोई भी एक्टिविटी है वो परफॉर्म की हो। जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है बच्चों, इस तरह के स्कोर ना आप जब GRE टेस्ट देते हैं, जब आप लोग GAT का टेस्ट देते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट सेमेस्टर में जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो इस तरह के स्कोर आप अपने इंटेलिजेंस के कुछ टेस्ट में देखेंगे, MMPI में टी स्कोर देखेंगे, परसेंटाइल आप SPM में देखेंगे। तो ये परसेंटाइल फिर हमारे रैंक्स बन जाते हैं कि हम, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक परसेंटाइल सेट किया है 60, तो मैं ये देखूंगी कि 60 से बिलो या 60 हाईएस्ट है या 60 हायर स्कोर है, तो अब 60 से बिलो किसके स्कोर आ रहे हैं। अब मैं आपको 100 के साथ कंपेयर नहीं करूंगी, बल्कि मैं आपको उस पर्सन के साथ कंपेयर करूंगी जिसने स्कोर लिए हैं 60। परसेंटाइल की समझ आ रही है? Yes, ma'am. ठीक है, अब याद रखिएगा परसेंटेज और परसेंटाइल एक चीज नहीं होते। परसेंटेज में आपको इंडिविजुअली स्कोर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू 100, लेकिन परसेंटाइल में आपको कंपेयर किया जा रहा होता है दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि ये नॉर्म सेट की जाती है कि जी अच्छा सबसे ज्यादा वाले ने कितने स्कोर लिए हैं, तो उसको भी देखो इसने उसके लिहाज से कितने लिए हैं। तो आपका एक्चुअली उसके साथ कंपेरिजन होता है, अपने साथ नहीं होता। ये टेबल्स करने की बच्चों आपको कोई जरूरत नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद है बच्चों परसेंटाइल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। फर्स्ट परसेंटाइल में सबसे पहले स्ट्रेंथ यही है कि इजीली डाटा आपको थोड़ा गैदर हो जाता है, कि आपको आसानी से समझ आ जाती है, चीज़ों को इकट्ठा करना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, वो यही ड्रॉबैक है कि ये आपको इंडिविजुअल स्कोरिंग नहीं दे रहा होता, आपको दूसरों लोगों के साथ मिलाकर स्कोरिंग दे रहा होता है। और एक और ड्रॉबैक है कि हम इसको हमेशा क्या करते हैं कि परसेंटेज के साथ लिंक कर देते हैं बाज़ूकात करते करते, या दूसरे लोग जिनको इस बारे में नहीं पता होता, मतलब जिनको इस बारे में आइडिया ही नहीं है कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, तो वो समहाउ आपको रेट कर रहे हो, तो आप उनके लिए परसेंटेज वाला पर्सन भी वही होता है, परसेंटाइल वाला भी वही होता है। अब आप ये देखो यहाँ पे ये रा स्कोर है 7, 8, 9, 10। अगर मैं इनकी परसेंटेज निकालूंगी तो 7 वाले की परसेंटेज अलग होगी, 8 वाले की अलग होगी, 9 वाले की अलग होगी, 10 वाले की अलग होगी। लेकिन अगर मैं इनका परसेंटाइल निकाल रही हूँ तो इन सबका परसेंटाइल क्या है, 2 पॉइंट बस। अब आपने 7 स्कोर लिया तब भी मैं आपको 2 पॉइंट परसेंटाइल दूंगी, आपने 8 लिया, अब देखो 7 ने लिया तो उसको भी 1 परसेंटाइल मिल रहा है, 8 लिया आपने तब भी आपको 1 मिल रहा है, हालांकि 7 और 8 में डिफरेंस है, 9 लिया तो आपको 2 मिल रहा है। मतलब परसेंटाइल में ये एक ड्रॉबैक है कि आप इंडिविजुअली अलग नहीं हो सकते किसी चीज से। आपको अगर आप इस वाली रेंज में आ गए हैं तो आपको 2 पॉइंट ही मिलेंगे, बेशक आपने 10 ही क्यों ना स्कोर किया हुआ। ठीक है, तो इस तरह के ड्रॉबैक्स हैं जो कि परसेंटाइल रैंक में आते हैं। उसके बाद आ जाता है बच्चों स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर एक्चुअली होता है जो कि हम जी स्कोर के साथ कन्वर्ट करके निकालते हैं। ठीक है, इसमें मतलब भी फार्मूला है, इसको करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये आपके लिए फिलहाल को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये लीनियर और नॉन लीनियर इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपने अभी नहीं करनी, ये बहुत हायर फंक्शनिंग है, तो इसको थोड़ा बाद में करेंगे हम, जब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट एमफिल में आप लोग जाएंगे तब। उसके बाद बच्चों टी स्कोर है, करना आपने इसको भी इतना ज्यादा नहीं है, बस टी स्कोर में ये होता है कि मुख्तलिफ टेस्ट जो होते हैं, जैसे कुछ लोग कुछ टेस्ट हैं वो परसेंटाइल को प्रेफर करते हैं, तो कुछ टेस्ट हैं जो कि टी स्कोर को प्रेफरेंस देते हैं, तो बस फिर वहां पे हम टी स्कोर यूज कर रहे होते हैं। इसको बस इसलिए हाथ से याद रखें, तो इसमें भी इससे आपका समझे कोई MCQs वगैरह नहीं आएगा। उसके बाद ये डिफरेंट अदर स्कोर हैं, GRE है, ये है, बस इसका इसकी भी अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कम यूज होते हैं। इवन जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में टेस्ट भी कर रहे होंगे ना, तब भी आप देखेंगे कि उनमें से बहुत कहीं भी ये यूज नहीं हुआ हुआ, सिर्फ टी स्कोर आप लोग देखेंगे एक दो टेस्ट में, MMPI में देखेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे ज्यादातर परसेंटाइल, वो भी एक दो में देखेंगे, परसेंटाइल भी ज्यादा में नहीं मिल रहा होता यहाँ से। ये बच्चों ये कोई चीज नहीं करनी है आपने। उसके बाद बच्चों हमारी आ जाती है डेवलपमेंटल नॉर्म्स। डेवलपमेंटल नॉर्म्स, जैसा कि आपको उसके नाम से भी थोड़ा आइडिया हो रहा होगा, वो नॉर्म्स जो कि डे बाय डे चेंज होती रहती हैं, यानी कि डेवलप होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल आपकी एज रिलेटेड नॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी ग्रेड रिलेटेड नॉर्म्स हैं, यानी कि आप डे बाय डे बढ़ते जाते हैं, आपकी एज चेंज होती जाती है। जैसे जैसे आपकी क्रोनोलॉजिकल एज चेंज होती है, वैसे वैसे आपकी मेंटल एज भी विद रिस्पेक्ट टू डैट चेंज होती जाती है। फिर उसके साथ साथ आपके ग्रेड्स भी चेंज होते जाते हैं, जैसे आप आज पहले आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे, अब सेकंड सेमेस्टर में हो गए हैं, तो कुछ
होती हैं नॉर्म्स जो कि इनके साथ रिलेट करती हैं, कि अगर मैं टेस्ट करूंगी उन नॉर्म्स को तो देखा जाएगा कि नाइन्थ क्लास के बच्चों को मैं नाइन्थ क्लास के बच्चों के साथ ही कंपेयर करूंगी। अब ये नहीं है कि मैं फर्स्ट ईयर के बच्चों को नाइन्थ के साथ कंपेयर कर रही हूँ या नाइन्थ को फर्स्ट ईयर के साथ कर रही हूँ। इसमें से बस आपने यही चीज देखनी है, बाकी इसमें से कुछ नहीं देखना। इसके अलावा बच्चों जो और डेवलपमेंटल नॉर्म्स होती हैं हमारी रिलेटिव, वो आपके मतलब कुछ ऐसी नॉर्म्स होती हैं जो कि हमारी थेरी से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट की थेरी है पियाजे की, फिर उसके साथ साथ हमारी मॉरल डेवलपमेंट की थेरी है, और इन चीज़ों से रिलेट कर रही होती है, और उनसे रिलेटेड फिर हम अपने कोई ना कोई मतलब, अब अगर कोई टेस्ट आप बनाना चाह रहे हैं मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो टेस्ट एक्चुअली आप किस थेरी से बनाएंगे, कोलबर्ग की थेरी से, और वो थेरी उसी नॉर्म्स को फॉलो कर रही होती है। उसके बाद बच्चों इनकी कुछ स्ट्रेंथ हैं वीकनेसेस हैं। सबसे पहली स्ट्रेंथ तो यही है बच्चों के डेवलपमेंटल नॉर्म्स की, कि आपको कंपैरिजन करने के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, और आपको अपने जो सेम एज ग्रुप के लोग होते हैं वो आसानी से मिल रहे होते हैं, आपको किसी दूसरे लोगों के साथ उसको कंपेयर नहीं करना पड़ रहा होता। दूसरा इसका मतलब ये एडवांटेज होता है कि आपको एक उस लेवल के या उस लेवल के जो अच्छा एक डाटा है वो एक रिफाइंड डाटा और बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज डाटा मिल रहा होता है। लेकिन अब उसके साथ साथ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स बच्चों सबसे पहले तो यही ड्रॉबैक है कि समहाउ हम जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, एटीट्यूड्स होते हैं, या हमारे जितने भी ये साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि सबके अपने एज से रिलेटेड ही हो। आपका जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, फैमिली बैकग्राउंड है, सोशल इन्वायरमेंट है, वो भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम उस लेवल पर आके चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से अगर कोई टेस्ट बना है जो कि पर्सनालिटी का टेस्ट है, लेकिन वो नॉर्म से रिलेटेड बन गया है, डेवलपमेंटल नॉर्म से रिलेटेड, तो उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होगा? सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि वो लोग जिन्होंने मतलब अब हर किसी का बैकग्राउंड अलग है और हम लोग उसको कंपेयर एक ही तरह से लेकर कर रहे हैं, तो वहां पर फिर हमारे जो स्कोर है वो डिफर कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट इसका बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है, ये अनकंट्रोल्ड नॉर्म्स होती हैं, मतलब कि चेंज होती जाती हैं डे बाय डे, चेंज होती जाती हैं। आपने अगर कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस कर ली है कि जो आपसे ज़्यादा एडवांस थी, तो वहाँ पे हमें अगेन नॉर्म चेंज करना पड़ रही होती हैं। यही वजह होती है कि ऐसे टेस्ट जो इन नॉर्म से रिलेटेड बने होते हैं वो डे बाय डे चेंज होते रहते हैं, या उनको हमें ज़्यादा जल्दी चेंज करना पड़ा होता है, स्पेसिफिकली ज़्यादातर जो आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद बच्चों ये नेक्स्ट जो पार्ट है ये आपने नहीं करना, उसके बाद बच्चों हमारी आ जाती हैं ग्रुप नॉर्म्स। ये बहुत इजी है। ग्रुप नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? अब कि कुछ हमारी नॉर्म्स होती हैं जो कि स्टैंडर्डाइज होती हैं, जो कि किसी ना किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ रिलेट करके बनी होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारी नेशनल नॉर्म्स है। अब नेशनल नॉर्म्स बच्चों क्या होती है? जो कि किसी ना किसी नेशनल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और अगर हमने कोई टेस्ट बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेस्ट बनाना है कि पाकिस्तान में लोगों की हॉस्पिटैलिटी कैसी है, तो इट मींस मैं यहाँ पे जो नॉर्म्स लूंगी वो उन लोगों की नॉर्म्स होंगी जो कि रिलेट कर रही होती हैं। जैसे उसमें से मैं कुछ सैंपल लूंगी पंजाब से ले लूंगी, कुछ सैंपल है जो हम केपीके से ड्राइव कर लेंगे, कुछ सैंपल है जो कि हम लोग ले लेंगे बलूचिस्तान से, कुछ सैंपल है गिलगत से ले लेंगे, क्योंकि हमने एक पूरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल आपके सामने रखना है। फिर जब मैं आपके ऊपर टेस्ट अप्लाई करूंगी, तो टेस्ट अप्लाई करने के बाद मैं जब आप लोगों को कंपेयर भी कर रही होंगी, तो सिर्फ मैं आपको उन्हीं सैंपल के साथ कंपेयर करूंगी। अब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे कंट्री के कोई टेस्ट अप्लाई करूंगी लोगों पे और उसको हम दूसरे कंट्री के साथ अप्लाई रिलेट करें। ठीक है बच्चों, नेशनल नॉर्म की समझ आई है? यस मैम। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारी इंटरनेशनल नॉर्म्स। इंटरनेशनल नॉर्म्स होती हैं जो कि अराउंड द वर्ल्ड सबके लिए होती हैं, और इंटरनेशनल नॉर्म्स ज़्यादातर रिलेट करती हैं हमारे स्कूल एजुकेशन से, अचीवमेंट टेस्ट से, या जैसे आप लोग अगर बाहर के मुल्क में कोई भी एडमिशन लेने जा रहे होते हैं, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, तो उनके कुछ रूल्स हैं कि जी आपने आइल्स किया हुआ होगा और कोई भी, और आपके इतने इतने बैंड और इतने इतने स्कोरिंग आनी चाहिए। इसी तरह से मतलब आपकी ये नॉर्म्स है जो कि सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि वो हर हर कंट्री के लिए उन्होंने बनाई गई हैं, वो उनकी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, और जो कि सब लोगों पे अराउंड द वर्ल्ड सेम ही तरह से एप्लीकेबल होती हैं। उसके बाद हमारी कन्वीनियंट नॉर्म है। कन्वीनियंट नॉर्म, जैसा कि आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होता है, ये ज़्यादातर रिलेट कर रही होती है उस सैंपल से कि हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हमने कोई टेस्ट बनाना है, तो अब वो टेस्ट बनाने के लिए हमने नॉर्म रिलेटेड टेस्ट बनाना है, तो हमारी कोशिश होती है कि ऐसा करते हैं कोई ऐसा टेस्ट बना लेते हैं जो कि सारी नॉर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा या लोग उसको ज़्यादा और तरह से नहीं देख रहे होंगे। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे होते हैं कि हमारा फोकस होता है कि चलो ऐसा करते हैं कोई ऐसा टेस्ट बना लेते हैं। तो हम इस टेस्ट में फिर हम लोग ज़्यादातर फोकस क्या कर रहे होते हैं? अपनी
नॉर्म्स पे जो कि हमारे कन्वीनियंट सैंपल मिल रहा था. जैसे आपने कोई टेस्ट बनाना था स्कूल चिल्ड्रन पे, तो आपको कोई टेस्ट नहीं मिल रहा था, अब आपने इंडिजिनस टेस्ट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अच्छा मुझे स्कूल से डाटा मिल रहा है तो मैं उन पे बना लेती हूँ. और वो फिर ऐसे जो स्केल होते हैं बच्चों, वो थोड़े टाइम लिमिटेड होते हैं, वो कम टाइम के लिए यूज हो सकते हैं और सिर्फ उसी पॉपुलेशन पे यूज होते हैं, फिर आप किसी और पे नहीं कर सकते. ठीक है, ये मतलब एक ड्रॉबैक भी है कन्वीनियंट नॉर्म्स का. उसके बाद आ जाती है बच्चों हमारी यूजर नॉर्म्स. यूजर नॉर्म्स एक्चुअली रिलेट कर रही होती हैं कि टेस्ट यूज कौन करेगा, कि कोई प्रोफेशनल यूज करेगा, कौन यूज करेगा. फिर अगर वो आपको सेल भी कर रहे होते हैं ना वो टेस्ट, तो उससे रिलेटेड भी वो पूछ रहे होते हैं कि जी आपने ये टेस्ट कहाँ से लिया, कैसे करेंगे आप, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों को देखना चाहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग. वो उनका इस बात पे फिर बहुत फोकस होता है. जैसे अगर आप कोई टेस्ट परचेज करेंगे, तो अगर ऑनलाइन भी परचेज करना चाहेंगे, तो आपसे एफिलिएशन मांगते हैं, आपसे बाकायदा आपका सर्टिफिकेट मांग रहे होते हैं कि क्या आप एक सर्टिफाइड टेस्टर हैं या आप एक सर्टिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, अदरवाइज आपको नहीं देते. फिर होती है हमारी बच्चों सब ग्रुप नॉर्म. सब ग्रुप नॉर्म होती है बच्चों के, जिसमें हम लोग एक टोटल नॉर्म ग्रुप में से एक छोटा सा ग्रुप सिलेक्ट कर लेते हैं. अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेस्ट बनाया है अपने कंट्री के लोगों के लिए, लेकिन उसमें मैंने देखा है कि मैंने रिलीजियोसिटी का टेस्ट बनाया है, लेकिन अब मेरे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तो नहीं रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और क्रिश्चियंस भी रहते हैं, कुछ और मज़हब के लोग भी रहते हैं. तो मैंने अब एक और स्केल बनाया है, या मैंने ऐसा स्केल बनाया कि मैं सिर्फ पारसी लोगों के लिए बनाने गई हूँ. यानी कि फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट माइनॉरिटीज हम एक नया स्केल डेवलप करते हैं जो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है. यानी कि मैंने अब एक बड़े ग्रुप में से एक छोटे से ग्रुप को बाहर निकाल दिया, जिसमें आपकी रेस भी देखी जा सकती है, आपका जेंडर भी देखा जा सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बेसिस पे भी हम लोग अलग अलग टेस्ट डिवेलप कर सकते हैं, आपके ऑक्यूपेशंस की बेसिस पे भी अलग अलग टेस्ट डिवेलप कर सकते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी होता है इस तरह की नॉर्म्स को बनाना. और इसमें साथ साथ बच्चों आपको एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं, तो आप एग्जाम्पल्स को भी देख लीजिएगा. उसके बाद है बच्चों हमारी लोकल नॉर्म्स. लोकल नॉर्म्स वो होती हैं बच्चों के जो हम लोग आप ये कह लो कि नेशनल नॉर्म्स के अंदर से सिलेक्ट करते हैं. जैसे नेशनल नॉर्म्स है स्कूल के लिए, सब लोगों ने एक नेशनल नॉर्म्स दी हुई है, जिस स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, अब इतने बजे तक पढ़ाएंगे, ऐसा टेस्ट लेंगे. लेकिन आपने देखा है हर स्कूल का सिलेबस अलग होता है, हर स्कूल ने अपना इवन पैटर्न अलग रखा हुआ होता है कि अच्छा हम सिलेबस में सिर्फ चार यूज़ करेंगे चैप्टर, हम लोग सिलेबस में सिर्फ इतनी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, तो उसे बोलते हैं लोकल नॉर्म्स. या फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेस्ट डेवलप किया है और मैंने उसके अंदर जॉब एप्लीकेशंस के लिए किसी को, या मैंने कोई जॉब एप्लीकेशन देनी है, किसी को जॉब देनी है, तो उसके लिए मैंने एक अपनी मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का एक टेस्ट डेवलप कर लिया, तो वो एक लोकल नॉर्म बन गया. जैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आपको डेफिनेशन भी ये उसकी बहुत अच्छी डिपिक्शन हो रही है कि ये आपकी नेशनल नॉर्म है, हम नेशनल नॉर्म के अंदर ही एक साइड पर एक लोकल नॉर्म जनरेट कर लेते हैं. जैसे आपको जब हम एडमिशन देते हैं आपका क्राइटेरिया अलग है, यानी कि यूनिवर्सिटी ने आपके लिए अपनी लोकल नॉर्म्स रखी हुई हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी में जाएंगे अलग है, नेशनल लेवल पे इसको देखेंगे तब आपका एक अलग है. उसके बाद और लास्ट पे बच्चों आ जाती है हमारी इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, के हर इंस्टीट्यूट की अपनी एक नॉर्म होती है. अब आप देखो कि हर जो इंस्टीट्यूट होता है बच्चों, उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना. अब जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने मतलब आपके नेशनल लेवल पे या हर लेवल पे जाके आपको वो दी भी है और उसने कहा है कि आपने इसको फोकस करना है नहीं करना है, तो आप उसको लेकर चल रहे होते हैं. लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडिविजुअल एक नई नॉर्म बना दे, तो फिर उस नॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल नॉर्म, जो कि उस इंस्टीट्यूशन की सिर्फ अपने लोगों के लिए होती है, बाकी लोगों पर वो अप्लाई नहीं हो रही होती. समझ आई है बच्चों यहाँ तक सबको? यस मैम. एमएससी अब यहाँ पे किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो, आपकी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, बस 5 मिनट और दे दे. मैम मेरम ने क्लास तो लेनी है ना आपकी? यस मैम. अच्छा बच्चों यहाँ पे ना मैं आपको एक चैप्टर दिखाती हूँ. अच्छा बच्चों ये जो हम लोग पहले बुक पढ़ रहे थे ना, सिलेबस ही बताने लगी हूँ बच्चों. अच्छा बच्चों जो हम पहले बुक पढ़ रहे थे ना, जिस बुक से हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 किए हैं, एमएससी मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों सुन लें. यस मैम. से हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 किए हैं, उस बुक में से चैप्टर नंबर 3 में एक टेबल है 3.7. ये टेबल आपको नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन पे सबको? Yes. ये टेबल आपने उस बुक से करना है जिसमें क्राइटेरियन रेफरेंस और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का बहुत अच्छा डिफरेंस दिया हुआ है. ये हम लोगों ने पहले वैसे पढ़ भी लिया है,
आपने ये टेबल देखो, पर्पस की बेस पे दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, आइटम की बेस पे लिखा हुआ है, आइटम सिलेक्शन की बेस पे लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन की बेस पे लिखा हुआ है। अब पर्पस क्या होता है दोनों का? क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट में हम लोग किसी भी पर्पस के अकॉर्डिंग, मतलब कि हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ होता है और एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है और इंडिविजुअली आपको उससे रिलेट करते हैं। नॉर्म रेफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल बेसिस में नहीं आपको मेजर कर रहे होते, बल्कि आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। फिर आइटम कंटेंट किस तरह का होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस में जो आइटम होता है वो थोड़ा नैरो होता है, आपके स्किल से रिलेटेड होता है। जैसे अगर मैं आपकी रीडिंग एबिलिटी देखना चाहूंगी तो बस मैं उससे रिलेटेड ही सारे अंदर आइटम्स इंक्लूड करूंगी। लेकिन नॉर्म रेफरेंस में ब्रॉड टर्म्स आ जाती हैं, जैसे मैंने अभी गैट की एग्जाम्पल दी थी, जीआरई टेस्ट की एग्जाम्पल दी थी, उसमें सिर्फ एक नहीं चीज चेक की जा रही होती, उसमें आपकी लिसनिंग एबिलिटी चेक होती है, रीडिंग होती है, कम्प्रीहेंसिव होती है, कोग्नेटिव इवन हो रही होती है, यानी कि वो एक बड़े लेवल पे चला जाता है। आइटम सिलेक्शन अब कैसी होती है, तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आइटम सिलेक्शन इस तरह से होती है, उसमें ज्यादातर आइटम ना सिमिलर होते हैं, मतलब उनका इतना डिफिकल्टी लेवल नहीं होता। लेकिन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो आहिस्ता बढ़ता जाता है। इसी तरह से जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है उसमें हम जो स्कोर देते हैं वो परसेंटेज की फॉर्म में देते हैं, ठीक है, और हमें पहले से डिफाइन किया होता है कि अगर कोई ये स्कोर लेगा उसको ये देंगे, उसको ये देंगे। नॉर्म रेफरेंस में ऐसा नहीं होता, उसमें हम लोग परसेंटाइल यूज कर रहे होते हैं, ग्रेड यूज कर रहे होते हैं या और कोई मेथड यूज करते हैं और बाद में डिफाइन करते हैं कि अच्छा अब हमने इसको स्कोर किस तरह से देना है। क्लियर है बच्चों? अच्छा बच्चों मैम से बोले बस मैम 5 मिनट दे दें, रिक्वेस्ट कर लेंगे मैम बस 5 मिनट, हमारी क्लास एंड हो रही है। जी जी मैं अब आपको जरा सिलेबस बता दूं, उसको अच्छी तरह सुन लें, बल्कि ऐसा करें बाकी बच्चे ज्वाइन कर लें, बेशक निमरा और तंजीला भी ही सुन लें, या मैम से बस थोड़ी सी 5 मिनट की रिक्वेस्ट कर लें। अच्छा बच्चों देखो, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2, आपको पता है वो जो हमारी बुक है जिस पिंक कलर की है बाहर से, याद है? जी मैम। ठीक है, वहां से आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 करना है और 3.7 टेबल करना है पेज नंबर 97 पे, ये वाला टेबल करना है। इसकी पिक्चर ले लो बेशक अगर नहीं समझ आए किसी को तो। सही है ये हो गया। मैम पेज नंबर दोबारा बता दें। पेज नंबर 97 पे टेबल है 3.7, क्राइटेरियन एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर? ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, ये यहाँ से करना है, 1 और 2 चैप्टर आपने इसी बुक से करना है। उसके बाद है होगन वाली बुक है नमरा। होगन एक्चुअली इसका ऑथर है, उस बुक से आपने चैप्टर नंबर 3 करना है स्टार्ट से लेके जहां से अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। स्टार्ट से मैम नॉर्म्स एंड रिलायबिलिटी वाला चैप्टर। बच्चों होगन की बुक से सिर्फ नॉर्म्स वाला है, आप क्या पूछ रही हैं तंजीला? ओके मैम। तंजीला समझ आ गई आपको? ये टेस्ट yes, मैं नहीं पूछ था। बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, आपने जो पहली वाली बुक है ना जिसका जो टाइटल है, मतलब जॉर्जरी की आई थिंक बुक है वो, और वो उसका टाइटल पिंक और ग्रीन कलर का है, ठीक है, उस बुक से आपने चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट करने हैं। सही है, हिस्ट्री वाला और पहले वाला। सही है, समझ आ रही है? ठीक है, और उसी बुक के पेज नंबर 97 पे जो टेबल 3.7 है वो करना है। ठीक है, हो गया क्लियर यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, उसके बाद होगन की बुक रॉबर्ट जॉर्जरी है। जी जी जी, उसके बाद है बुक होगन की बुक से, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बाय होगन बुक है उसकी, चैप्टर नंबर 3 है टेस्ट नॉर्म जो आपको अपने सामने नजर आ रहा है, इसे आपने करना है स्टार्ट से लेके, यानी के पेज नंबर 62 से लेके, टेबल्स वगैरह अंदर कुछ नहीं करना है जो टेबल्स दिए हुए आपने। चलें ये रा स्कोर भी मैं कट कर देती हूँ, या रा स्कोर से ऊपर तक करना है पहले जहां पे ये शेप्स बनी हुई है। ठीक है, लिख लिए सर दोनों ने 62 से लेके ये इन शेप्स तक, पेज नंबर रा स्कोर से ऊपर तक लिख लिया तंजीला आपने भी? यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर रा स्कोर ये सब कुछ नहीं करना, आगे चलते हैं। जहां से दोबारा करवाना होगा मैं बता देती हूँ, चले ये भी रहने देते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ नॉर्म्स पे,
ये जो परसेंटाइल है, स्टैंडर्ड स्कोर है और डेवलपमेंटल नॉर्म्स है, इनमें से आपने परसेंटाइल रैंक्स और डेवलपमेंटल नॉर्म्स करनी है, स्टैंडर्ड स्कोर भी कट कर दो, ठीक है? परसेंटाइल नॉर्म्स और मैम परसेंटाइल रैंक्स, डेवलपमेंटल नॉर्म्स, ये देखें मैम ये करनी है, ये करने हैं, स्टैंडर्ड स्कोर निकाल दें। क्लियर हो गए यहां तक दोनों को? यस मैम। ये टी स्कोर ये सब कुछ, ये कुछ नहीं करना। उसके बाद ये डेवलपमेंटल नॉर्म्स हैं, ये करनी है आपने, जहां से भी डेवलपमेंटल नॉर्म स्टार्ट हो रही है उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस करनी है। ये टेबल्स टूबल्स ये कुछ नहीं करने। उसके बाद बच्चों आपने ग्रुप नॉर्म्स करनी है, बहुत इजी है। नेशनल नॉर्म्स है जिसमें, इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, कन्वीनियंस नॉर्म्स हैं, यूजर नॉर्म्स हैं, सब ग्रुप नॉर्म है, लोकल नॉर्म्स है और इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स है। यहां तक करना है आपने। क्लियर हो गया अब सबको, दोनों को? यस मैम। वो जो हम लोगों ने रॉबर्ट जॉर्जरी से किया उसका चैप्टर नंबर 1 का नाम है इम्प्लीमेंटेशंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। जी 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 जी, चैप्टर नंबर 1 और 2 कंप्लीट है, ठीक है? इसको लिख लें और ये बच्चों के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। थैंक यू सो मच। पेपर इजी बनाइएगा। जी मैंने जैसे जैसे बनाया है बस तुम लोगों ने वैसे वैसे ही पढ़ना है, जब मैंने साथ साथ अब हिंट भी दिए हैं। मैम आप रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दें प्लीज। यस मैम। रिकॉर्डिंग पता कौन सा सुनी जानी है अब? हम थोड़ी बहुत सुन के फिर तैयारी तो कर सकते हैं ना। तो बच्चों अगर आप लोग क्लासेस ले रहे होते यूनिवर्सिटी में तब रिकॉर्डिंग कहाँ से लेते? मैम वैसे अगर वैसे लेते ना फिजिकल तो अच्छी तरह नोट कर लेते हैं, इस तरह ना मिस हो जाता थोड़ा बहुत। जो इस तरह भी बिल्कुल मिस नहीं होता, बस इस तरह आपका नेट इशू होता, नेट इशू हो जाता। जी जी वो मैं मानती हूँ, चले मैं कोशिश करूंगी मैं आज ही आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं। लेकिन बच्चों असल मसला पता है कि अब आपके पेपर भी साथ ही आ गए हैं और जो MS BS के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल, वो भी आज ही अपलोड करने हैं, तो वो इतना काम इकट्ठा हो जाता है ना, फिर चीजें इधर उधर हो जाती है। मुझे था कि शायद आपको थोड़ा लेट हो जाए। चैप्टर नंबर 1 और 2 से सब सब सारा सारा पढ़ेंगे? जी बच्चों वो आप सारा सारा पढ़ेंगे, मतलब उसमें से हम लोग कुछ स्किप नहीं कर सकते, मतलब कि हम इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स हैं हम लोग नहीं बच्चों वो तो कंसेप्चुअली करेंगे, जाहिर है पैराग्राफ्स तो नहीं ना पढ़ेंगे आप, बाकी तो उन्होंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ। अब इतना तो आपको पता चल गया आपने याद किस तरह से करनी है चीजें। ओके बच्चों अल्लाह हाफिज, और MS इवनिंग आप क्लास ज्वाइन कर लें अपनी। थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज बच्चों, अल्लाह हाफिज। और बच्चों उस दिन अपने कैमरे अपने नेट ये सारा कुछ ये सारे इश्यूज रिजोल्व करके आइएगा, ठीक है? ओके मैम, इंशाल्लाह। ओके बच्चों अल्लाह हाफिज। फटाफट जाकर मैं मेरम की क्लास ज्वाइन कर लें। ओके MSE मॉर्निंग एंड इवनिंग बेस्ट ऑफ लक, भी मैं यहाँ पे आपकी क्लास एंड कर रही हूँ। थैंक यू मैम।